क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का आगाज हो गया। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की बेहद बुरी हार हुई, शर्मनाक हार हुई। वो तो महेंद्र सिंह धोनी ने एन मौके पर रन बनाए, 50 बनाई और स्कोर को 131 तक पहुंचाया। नहीं तो हालात चेन्नई के लिए और भी बुरे हो सकते थे, लेकिन 131 रन बनाने के बाद भी सीएसके जीत सकती थी। जी हाँ, सीएसके को ऐसे मैच जीतना आता है। लेकिन नए नवेले कप्तान बने जडेजा की जिद टीम पर, टीम की जीत पर, टीम के परफॉर्मेंस पर भारी पड़ गई। और जो आठवें ओवर में ड्रामा हुआ, जो आठवें ओवर में बवाल मचा, उसने वहीं पर सीएसके को हरा दिया। जी हां, आठवें ओवर में ही सीएसके की हार हो गई। यहां तक कि जडेजा ने धोनी तक की नहीं सुनी, धोनी की इज्जत उतार दी। तो क्या हुआ मैदान में, जब कप्तानी के नशे में चूर रविंद्र जडेजा गलतियां पर गलतियां करते रहे, और आठवें ओवर में क्या हुआ ड्रामा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या रविंद्र जडेजा को धोनी की बात सुननी चाहिए थी या फिर अपने हिसाब से कप्तानी करना ही ठीक है। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका ओपिनियन बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज बता रहे हैं आईपीएल में पैसे कमाने का बेहद आसान तरीका। सभी सिंपल क्वेश्चन का आंसर देकर आप पैसे कमा सकते हो। जैसे इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, हाँ या ना में से एक आंसर पर ट्रेड करो प्रोबो ऐप पर और हजारों कैश जीतो। आपको एक डेमो दिखाते हैं। क्या पंजाब के खिलाफ मैच में विराट कोहली बेंगलुरु के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे, तो इसका जवाब यस कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दिल्ली की टीम मुंबई को आज हरा पाएगी, तो इसका आंसर नो सबमिट करते हैं। अब अगर हमारा जवाब सही हुआ तो हम जीत जाएंगे। आप भी इस ऐप पर आराम से पेटीएम या फिर यूपीआई के जरिए पैसे विड्रॉल कर सकते हो। एक और बात, अगर आप हमारे रेफरल कोड फ्री 25 से साइन अप करते हैं तो आपको ₹25 फ्री मिलेंगे इंस्टेंट, जिसे आप यूज करके ट्रेड करो और पैसे कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अपना क्रिकेट नॉलेज यूज करके आईपीएल में पैसे कमाओ। तो सभी का कहना है कि पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही मैच में हार गई, और वो भी उसी टीम से जिसे पिछले साल के फाइनल में हराया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, पिछले साल जीतने वाली टीम थी महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके, और इस बार हारने वाली टीम है रविंद्र जडेजा की सीएसके। और जडेजा ने खुद ही पहले मैच में ये अंतर दिखा दिया, बता दिया और साफ साफ भी कर दिया कि लोग धोनी की बात करते होंगे, धोनी की इज्जत करते होंगे। अब मैं कप्तान हूं तो मैं तय करूंगा, मैं फैसले लूंगा, धोनी फैसले नहीं लेंगे, धोनी सुपर कप्तान बनकर टीम में नहीं रहेंगे। और इसी का एग्जाम्पल, इसी का डेमो मैदान में दिखा जब केकेआर की बैटिंग के दौरान आठवें ओवर में ही ड्रामा हो गया, बवाल हो गया। अब वो सब कुछ आपको बताते हैं क्योंकि यही हार की वजह भी बन गया। तो छठे ओवर तक केकेआर जबरदस्त खेल रही थी, सातवां ओवर लेकर ड्वेन ब्रावो आए और ब्रावो ने पहली सफलता दिला दी। सीएसके को ब्रावो मैच में वापस ले आए और ओवर में सिर्फ एक रन बना, एक विकेट भी गिर गया और अचानक से केकेआर प्रेशर में आ गई। अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा क्रीज पर आए और ओवर खत्म होकर आठवां आ गया। अब यहीं पर हंगामा हो गया, धोनी विकेट के पीछे से दौड़कर आए और जडेजा को कुछ कहा। अब यहां पर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने को बॉल थमा दी गई। अब धोनी चाहते थे कि एडम मिलने ही नीतीश राणा का स्वागत करें और बाउंसर से राणा को बैकफुट पर धकेले हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजी में बाउंसर्स में नीतीश राणा को थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन रविंद्र जडेजा तो कप्तानी के खुमार में थे और जड्डू ने तुरंत ही एडम मिलने से बॉल लेकर शिवम दुबे को थमा दी। जी हां, अब धोनी यहां पर कहते रह गए कि राणा के लिए तेज बॉलर रखना होगा, मीडियम पेस पर वो मार देगा। लेकिन जडेजा तो कप्तानी के नशे में थे और धोनी की बात सुनी नहीं। जी हां, धोनी कहते रहे लेकिन जडेजा ने सुना ही नहीं। आठवां ओवर शुरू होने से पहले ये सब कुछ हो रहा था और धोनी फिर वापस फाइनली अपनी जगह विकेट कीपिंग की जगह पहुंच गए और फिर वही हुआ जो कप्तान साहब को करना था। शिवम दुबे को बॉल थमा दी गई और धोनी का जो डर था वो सच साबित हो गया। नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने शिवम दुबे को पहली बॉल पर चौका मार दिया और फिर ओवर में एक और चौका जड़कर पूरे ओवर में 15 रन बटोर लिए। यही नहीं, इसके बाद भी जडेजा की आंखें नहीं खुली, जडेजा के सिर से कप्तानी का भूत उतरा नहीं। अगला ओवर भी तेज गेंदबाज को देने के बजाय स्पिनर मिशेल सेंटनर को दे दिया और स्पिनर्स को तो राणा और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। अब यहां पर नीतीश राणा ने पहले ही बॉल में छक्का मार दिया और इस ओवर में भी 11 रन बटोर दिए। अब हालात ये थे कि जो सीएसके छठे ओवर में वापसी कर रही थी वही सीएसके अब सिर्फ 2 ओवर बाद ही मैच से पूरी तरह बाहर हो गई। इसके बाद तो धोनी भी सिर्फ हल्की फुल्की फील्डिंग चेंज में ध्यान दे रहे थे और जडेजा को मनमानी करने दे रहे थे। बॉलिंग चेंज क्या करनी है, किसे बॉल देनी है, सब कुछ जडेजा ही तय कर रहे थे और उसी का नतीजा हुआ कि बेहद आसानी से सीएसके मैच हार गई। अब ऐसा नहीं है कि धोनी की कप्तानी में कभी सीएसके हारती नहीं है, लेकिन धोनी की कप्तानी में सीएसके लड़कर हारती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि आठवें ओवर
ओवर में चेन्नई की टीम मैच हार गई। अब चेन्नई हार तो गई, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जडेजा की जिद टीम पर भारी पड़ गई और धोनी की इज्जत तक जडेजा ने नहीं की। और यूं ही किसी को सबसे महान कप्तान नहीं कहा जाता, और अगर जडेजा यहाँ पर धोनी की बात सुनते तो उन्हें ही फायदा मिलता, उनकी टीम को ही फायदा मिलता, लेकिन जडेजा तो कुछ और ही सोच कर बैठे थे। खैर जो भी हुआ, चेन्नई के फैंस के लिए बहुत बुरा हुआ और जडेजा की जिद 8वें ओवर के ड्रामे ने मैच को गंवा दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आप कप्तान है ठीक है, लेकिन क्या आपको धोनी को बेइज्जत करने का अधिकार मिल गया? अब आपका इस पर क्या कहना है? जडेजा की हरकतों पर, जडेजा के फैसलों पर, धोनी को इग्नोर करने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। प्रोमो पर अभी अर्ली बर्ड कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आप इस हफ्ते साइन अप करके सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आप जीत सकते हैं आईफोन और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत डाउनलोड करो। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।